अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरिया शेख। आज हम बनाएंगे साइटोस। साइटोस बनाने के लिए हमने पूरी एक ब्रेड ली है, ऑयल है रिफाइंड, 500 ग्राम शुगर ली है और फूड कलर है। अब हम कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे, ऑयल हमारा अच्छे से हो जाएगा, फिर इसके अंदर ब्रेड को हम फ्राई करेंगे। अब हम एक एक करके सारी ब्रेड तल लेंगे। ब्रेड अच्छे से ब्राउन होने चाहिए। इसी तरीके से हम सारी ब्रेड को तल लेंगे। हमने सारी ब्रेड को तल लिया है, अब हम चाशनी तैयार कर लेंगे। अब इसके अंदर हम शक्कर डाल देंगे। शक्कर हमने 500 ग्राम लिया है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो शक्कर की क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं, आप इससे ज़्यादा शक्कर का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। इसके अंदर फूड कलर भी डाल दिया हमने। हमें एक तार की चाशनी नहीं तैयार करनी है, लेकिन एक तार से कम की भी नहीं होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए चाशनी। इस तरीके से ऐसी चाशनी हमें चाहिए। ब्रेड हमने सब ट्रे में डाल दिए थे, अब हम दोनों ट्रे पर चाशनी को डाल देंगे ब्रेड के ऊपर। दूध को भी हमने बॉईल कर लिया था, दूध बॉईल होना चाहिए इसके ऊपर डालने से पहले, आपको दूध को बॉईल कर लेना है। ये देखिए हमने दूध को डाल दिया है इसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर। अब हम एक एक ट्रे रखकर चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा इसको बॉईल कर लेंगे, और हमें बहुत ज़्यादा इसे पकाना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो आपकी ब्रेड फिर टूटने लगेगी। इसी तरीके से हमको सारी ब्रेड पका लेनी है धीरे आंच पर। बस 4 से 5 मिनट तक आपको इसको पकाना है। इसके बाद हमने खोया कढ़ाई में डाल दिया था और अच्छे से इसको मेल्ट कर लेंगे। अब ब्रेड के ऊपर हम इसे रख देंगे खोए को।
अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप मलाई भी ब्रेड के ऊपर रख सकती हैं। फिर हमने चांदी का वरक इसके ऊपर रख दिया है। अगर आपके पास चांदी का वरक नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और ये देखिए हमारे सारे टोस्ट बनके तैयार हो चुके हैं। ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।